आज हमारे पास है जिसको मिस्ट मेकर बोलते हैं, जो है ना पानी से भाई सब धुआं बनाती है। देश के ऊपर चलो टेस्टिंग कर। तो क्या हाल है गाइस, आप सभी लोग क्या होप एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। एंड वेलकम आपका हमारे कोदा जनरेश ब्लॉग के अंदर। भाई सब आज का ब्लॉग हमेशा की तरह काफी ज्यादा मजा रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए थोड़े बहुत कटवा दिए, थोड़े बहुत क्या काफी कटवा दिए। बट नहीं, पहले बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे लंबे लंबे बाल। और बताना कमेंट करके मेरे गाइस लंबे बाल अच्छे लगते हैं या अभी ये अच्छे लगे। तो यहाँ पे गाइस जो ना आज हमारे पास है एक ह्यूमिडिफायर मॉड्यूल जिसको मिस्ट मेकर बोलते हैं, एंड ये जो है ना पानी से भाई सब धुआं बनाती है। और आज हम यही ट्राई करने वाले हैं, इसके ऊपर हम जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब इसको चला के देखेंगे। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसको चला के देखेंगे, इसको तोड़ेंगे थोड़ी, इसको नया ऑर्डर किया भाई सब, नया तो खराब करेंगे नहीं अभी, इसके साथ फिर कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए आज हम इसको खोल के देखते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था और शायद आपको कुछ दिन पहले के ब्लॉग के अंदर दिखाया भी था और तब चला के नहीं दिखा था। आज हम इसकी देखो यहाँ पे पूरा फुल पैक है, तो आज हम इसको खोलने वाले हैं एंड टेस्टिंग करने वाले हैं। ये सब कुछ चीजें अलग अलग आई हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी ये वाला ऑर्डर किया, पहले काफी टाइम मैंने बिना वो सब चीजें के आता था प्लास्टिक वाले के बगैर, सिर्फ मॉड्यूल और ये सब चीजें भेज देते। चलो देखते हैं कैसा काम करता है, पहले ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ एंड बहुत ही मजा आने वाला है इसी ब्लॉग के अंदर। बने रहना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं ट्राइपॉड पे लगाता हूँ मोबाइल को, ट्राइपॉड पे लगा दिया फटाफट से। गाइस मैं इसको खोल देता हूँ और ये देखो भाई साहब हो चुका है, और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये भाई सब चीजें आ चुकी है, बस इतना ही सामान था। ये बोला ना आपको स्ट्रो है, मतलब स्ट्रो नहीं है, एक स्टोरेज है हिसाब से बोल सकते हो, पानी स्टोर कर लेती है। तो और अभी से मेरे को काफी गर्मी लगने लग गई, अभी तो ब्लॉक शुरू ही किया। और ये रहा मॉड्यूल सर्किट जो है, इसको प्रेस करेंगे तो चल जाता है। और यहाँ ये चार्जर लग जाता है, पीछे जाओ तो बैटरी भी, यहाँ पे प्लस माइनस के ऊपर बैटरी अटैच कर सकते हो। और ये हमारा प्लास्टिक के कुछ सिस्टम, बस ये कुछ है। और चलो फिर टेस्टिंग करते हैं, पहले इसको असेंबल कर लेता हूँ। एंड असेंबल बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले आपको ट्राइपॉड पे ला के ना टाइम लैप्स दिखा देता हूँ इसको असेंबल करने का, बहुत सिंपल है वैसे तो। इसको बस इसके अंदर फिट करना है और ये लगाना है, बस होगा काम। तो अभी क्या इसको टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं और देखते हैं कैसा काम करेगा, मेरे को भी नहीं पता कैसा काम करेगा। और ये पानी आ चुके हैं, पहले थोड़ा सा पी लेता, इसके अंदर पानी डालते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दो और यहाँ तक भर दो, यहाँ तक है? हाँ हाँ, और बस बस। तो चलो अडेप्टर लाना तो भूल ही गया, से अडेप्टर ले गया था। तो ये आ चुके हैं इस अडेप्टर, और भाई साहब इसको चला के देखते हैं। अभी फोन अपने भाई को पकड़ा देता हूँ, देखो भाई बहुत मजा आने वाला है। एंड इसको चलाने के लिए लैपटॉप भी यूज कर सकते हो, बैटरी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा करता हूँ पाइप निकाल देता हूँ और इसको गीला करता हूँ। ये देखो काफी मजा चीज है, बस इतने से पानी के अंदर ही हो जाता सारा काम। हाँ, ठंडा ठंडा पानी गाइस डाल दिए ताकि फोग भी अच्छे से धुआं वाला बने, मतलब ठंडा ठंडा बने ताकि हम भी कूल कूल हो जाएं। तो कैसा काम करता है? ओ भाई साहब, अबे लगता है अच्छे से गीला नहीं हुआ गाइस, ये थोड़ा और लगता है गीला करना पड़ेगा। ओ भाई साहब इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। हाँ ये देखो भाई, आई थिंक मैंने मॉड्यूल को उल्टा लगा दिया, इसलिए पहले इसको बंद करता हूँ। ये भाई साहब अच्छे से काम नहीं कर रहा। चलो पहले इसमें कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो ये देखो भाई साहब, मैंने जो ना ये उल्टा लगा दिया था, ये देखो कुछ इस टाइप से लगेगा। अब देखते कैसा काम करता है, यहाँ से कुछ इस टाइप का, आई थिंक ये ऐसे ही रहना चाहिए। देखते कैसा काम करता है ये भाई साहब, उल्टा सीधा एक जैसे ही, थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है ज्यादा। चलो अभी देखते बंद करके पहले कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। फाइनली ये हो गया और अभी यहाँ पे अच्छे से दोबारा गीला करता हूँ एकदम मस्त। और बहुत गर्मी हो रखी है तो शायद ये हमें कुछ राहत दे, ठंडी ठंडी हवा दे। देखते कैसा काम करता है, पहले तो भाई साहब ये बहुत कम धुआं दे रहा था और अब देखते कैसा काम करते हैं। ये लग चुके हैं तो देखते हैं। हाँ भाई साहब अब देखो गाइस, पहले नीचे को थोड़ा आ रहा था, ज्यादा तो ठंडा नहीं है, काम तो काफी मस्त कर रहा। देखो यहाँ पे, और इसको मॉड्यूल को शायद बचाना पड़ेगा हमें, वरना ये गीला होगा तो। गाइस मजा आ रहा है,
और अगर ये हमारे पास कुछ आरजीबी लाइट वगैरह होता ना तो मजा आता। वैसे आरजीबी लाइट है वो वहां पे लग रही है, अगर तो वो स्पीकर इसके ऊपर रखता हूँ फिर देखते कैसा सिस्टम आता है। ये वाइट के ऊपर आपको दिखेगा नहीं, साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई साहब क्या ही जबरदस्त लग रहा है भाई साहब, स्पीकर रख दे इसके ऊपर, चलो टेस्टिंग करते हैं। इसको साइड में लगाता हूँ, देखो ये लाइट चल गई। और अभी रिमोट ये रहा तो इसको पिंक कर देता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यार ये पिंक में। और अभी ऐसा कर सकता हूँ कि एक कुछ लाइटें वाइट बंद कर देता हूँ, ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर ये करूँगा ना तो वो भी बंद हो जाएगा, साथ में ये लाइट भी बंद हो जाएगा। तो अरे बंद कैसे हो गया, अच्छा गैस पानी आना बंद हो गया, पहले इसको और गिरा गया, बहुत जल्दी सूख रहा है यार ये, तो क्या फ़ायदा इसका। और जो भी आपको दिखा रहा हूँ जो रियल है भाई साहब, वरना अगर इसके बगैर अगर डायरेक्टली इसको पानी में डालते हैं ना अगर इस सिस्टम को, तो ये पानी के अंदर काफ़ी अच्छा काम करता है। देखो यहाँ पे, ओ भाई साहब क्या ही मस्त लग रहा है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना अगर लाइट हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे क्या ही मस्त लग रहा है। और इसको कुछ स्टेबल सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि ऐसा रहे। इसके साइड में अटैच करता हूँ, अरे यार इसको प्लायर के अंदर फिट कर देते 2 मीटर को गाइस। देखो भाई साहब क्या ही गजब लग रहा है और काफी मस्त लग रहा है। मैंने आपको बोला ना अगर ये लाइट के मतलब जान आरजीबी के अंदर काफी मस्त लगता है, ऐसे नॉर्मल अच्छा नहीं लगता। देखो यहाँ पे, पर अभी कलर चेंज करता हूँ। देखो भाई साहब यहाँ पे देखो, जैसा कलर करता हूँ वैसा गाइस जो है यहाँ पे धुआं हो जाता है, ठीक है। येलो काफी मस्त लग रहा है देखो यहाँ पे, एंड रेड भी बहुत मस्त लग रहा है। ग्रीन करता हूँ और भाई साहब देखो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। चलो अभी म्यूजिक प्ले करते हैं साथ साथ, क्योंकि इसका साउंड बहुत जबरदस्त है। एंड साथ साथ भाई साहब ये छोटी सी डीजे स्मोक मशीन और ये हमारा छोटू सा तो क्या है, ये भाई साहब बहुत तगड़ा है, इसका साउंड बहुत जबरदस्त है क्योंकि हमने खुद घर में बनाया। एंड साथ साथ इसके अंदर चेंज का सबवूफर लगा है तो कमाल है भाई साहब। चलो इसको चलाते हैं साथ साथ और देखते हैं कैसा यहाँ पे सिस्टम बैठता हमारा ये सिस्टम। और कलर थोड़ा चेंज करता हूँ यार, ये अच्छा नहीं लग रहा, पिंक कर देता हूँ। हाँ भाई साहब ये काफी मस्त लग रहा है देखो यहाँ पे। तो चलो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट भी कर लेता हूँ, तो ये कनेक्ट हो चुका है और फटाफट से म्यूजिक प्ले करता हूँ। ये देखो भाई यहाँ से, ये देखो भाई साहब काफी मस्त लग रहा है। देखो यहाँ पे ये स्मोक मशीन के कारण और लाइट के कारण काफी मस्त लग रहा है। और इसके आगे करता हूँ और थोड़ी एयर के साथ करता हूँ, काफी मस्त लग रहा है। देखो यहाँ पे बटन निकल के इसका इतना बेस है, एक म्यूजिक और, चलो इसको प्ले करता हूँ और थोड़ा आगे करता हूँ। अरे यार हो जा भाई साहब, ये देख कलर भी चेंज करता हूँ, काफी मस्त लगेगा। या कोई ऐसा इफेक्ट लगा देता हूँ, देखो अपने आप चेंज होता रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा होगा और साउंड इसके अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे कैसा लगा, पहले लाइट चल रहा दो बार तो फिर कैसे लगेगा इस आपको ब्लॉग आज का, हो आपको मजा आया होगा। आज भाई सामने स्मोक मशीन भी चला के देख ली, काफी दिन पहले ऑर्डर की थी वैसे तो, काफी दिन हो गए इसको आए हुए। और भाई साहब आज हमने टेस्टिंग कर ली, साथ साथ म्यूजिक भी प्ले करके देख लिया और काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर कैसा लगा, हो आपको मजा आएगा, मिलता हूं जल्द आपको नए ब्लॉग के अंदर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।